हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट थेरेप्यूटिक मसाज। सो इफ यू वांट टू टेक पर्सनल क्लासेस फ्रॉम मी अलोंग विद प्रॉपर नोट्स इन पीडीएफ और रिटन फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द मेल आईडी मेंशनड हियर। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। वी वर आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थेरेप्यूटिक मसाज। तो बच्चों, मसाज जो है ये एक बहुत पुराने तरीके का हीलिंग टेक्निक है। तो मसाज में क्या होता है, वी डू सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। जैसे आपने सुना है ना कि हम बोन्स या जॉइंट्स को हम मोबिलाइज करते हैं, मोबिलाइजेशन देते हैं, ऐसे ही मसाज से हम जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं हमारे, उनकी मोबिलाइजेशन करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं ताकि जो हमारा पेशेंट है वो हील हो, उसको आराम मिले। ठीक है, बट ये होता एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, प्लस इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है। नाउ अब क्योंकि जो मसाज की टेक्निक्स हैं वो बहुत वेरी करती हैं, ठीक है, तो अलग अलग रीजन से अलग अलग तरीके की मसाज टेक्निक डेवलप हुई है। ठीक है, तो जो मसाज का यू नो एप्लीकेशन है, प्रोटोकॉल है, वो बहुत डाइवर्स है, बिकॉज इसमें बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस हैं। ठीक है, तो एक हम नहीं कह सकते कि सिर्फ एक थेरेपी ही मसाज थेरेपी है, देयर आर डिफरेंट वेरियस टेक्निक्स यूज्ड अंडर इट। कुछ के मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किए हैं। सबसे पहला है एक्यूप्रेशर, सो इट इज़ द प्रेशर अप्लाइड अलोंग द एक्यूपंचर मेरिडियंस। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्रेनियोसेक्रल थेरेपी, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द थेरेप्यूटिक मसाज। सो इट ऑल्टर्स द फ्लो ऑफ CSF बाय लाइटली मसाजिंग पॉइंट्स अलोंग द स्पाइनल कॉलम। नेक्स्ट इज द डीप टिश्यू मसाज, तो इसमें क्या होता है, द थेरेपिस्ट gives deep tissue muscle fibers the massage and attempts to release adhesions. तो जैसे ही adhesions break होंगे उसकी वजह से blood flow जो restricted था वो increase हो जाएगा वहाँ पर, and the patient will feel better, so there will be less pain. Next is the lymphatic massage. तो lymphatic massage में क्या है बच्चों, it targets the lymphatic system, name से ही पता चल रहा है हमें। और ये क्या करने में help करता है, ये जो edema होता है, waste products होते हैं, toxin होते हैं, उनको remove करने में help करता है। ठीक है, so it is one of the few techniques that can be used for acute musculoskeletal injuries. So activation of lymphatic system may limit acute inflammation. Then is the myofascial release. तो बच्चों, myofascial release है ये बहुत common technique है in the massage थेरेपी। ठीक है, जो एक थेरेपिस्ट यूज करता है, तो ये क्या करता है, जो भी मसल और फेशिया के अंदर आपके एडहेशंस होते हैं उनको ब्रेक करता है, रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन को रिस्टोर कर लेता है। देन द नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंटेड असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। जैसे नाम से ही दिख रहा है कि मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट ले लिया जिसकी वजह से मैं सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन कर सकूँ, तो ये पेशेंट खुद भी कर सकता है। देन द नेक्स्ट इज शियात्सू, सो इट इज़ द यूज ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक्स एंड स्ट्रेचेस बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। देन इज द स्वेडिश मसाज, सो इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर इंक्रीजिंग द मसल रिलैक्सेशन। देन द नेक्स्ट इज द मसाज स्ट्रोक, तो बच्चों मसाज जब हम पेशेंट को मसाज थेरेपी देते हैं तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रोक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी में हम लो प्रेशर देते हैं, किसी में लेस प्रेशर देते हैं, किसी में हम डिफरेंट पार्ट ऑफ द हैंड को यूज़ करते हैं, किसी में हम डायरेक्शन और फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं स्ट्रोक्स की, तो उस हिसाब से डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज स्ट्रोक्स विच वी यूज़। तो इनके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है, आई विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पहला जो है वो एफ्लोराज है, इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रोक करते हैं स्किन के ऊपर। तो ये दो तरीके का होता है, सुपरफिशियल एंड डीप। फिर होता है पेट्रीसाज, तो इट इज़ लिफ्टिंग एंड नीडिंग ऑफ द स्किन, सो इट स्ट्रेचेज एंड सेपरेट मसल फाइबर्स एंड द फेशिया। नेक्स्ट इज़ द फ्रिक्शन मसाज, तो इसमें हम डीप प्रेशर देते हैं फाइबर को क्रॉस करते हुए। तो ये दो तरीके की होती है, सर्कुलर एंड ट्रांसवर्स। देन इज़ द एक्टिव असिस्टेड, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन विद ब्रॉडनिंग एंड मसल स्ट्रिपिंग। तो इन सबका मेन जो मतलब है वो यही है कि ये एडहेशंस ब्रेक कर रहे हैं और जो पेशेंट है उसको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द न्यूरोमस्कुलर, तो इसमें वी गिव इश्केमिक कंप्रेशन। नेक्स्ट इज़ द टेपोटमेंट, विच इज़ अनदर टाइप ऑफ स्ट्रोक यूज इन मसाज थेरेपी। तो इसमें हम टैपिंग या पाउंडिंग करते हैं, तो ये रिलैक्सेशन प्रमोट करता है पेशेंट को। नेक्स्ट इज़ दी वाइब्रेशन, तो आपने बहुत सारे कॉमनली प्रैक्टिशनर्स को देखा होगा, वी डू वाइब्रेशन टेक्निक। तो इसमें क्या करते हैं, हम राइट फुट शेकिंग करते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है। सो दीज आर द इमेजेस शोइंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ थेरेप्यूटिक मसाज। नाउ इसके अफेक्ट्स क्या होते हैं,
तो जो मसाज थेरेपी है बच्चों, वो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज जनरेट करती है विद इन अ बॉडी, ठीक है। बट ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, ये किस पे डिपेंड करेंगे कि कौन से बॉडी पार्ट को आप ट्रीट कर रहे हो, कौन से टाइप का स्ट्रोक दे रहे हो, कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर दे रहे हो और कितना स्पीड से आप स्ट्रोक दे रहे हो। अब स्पीड है तो या तो आप लाइट स्लो स्ट्रोकिंग करोगे या आप फास्ट डीप स्ट्रोकिंग करोगे। तो जब आप लाइट स्ट्रोकिंग करते हो तो इट रिजल्ट्स इन सिस्टमिक रिलैक्सेशन, वेयर एज जब आप फास्ट डीप स्ट्रोकिंग करते हो तो इट कॉजेज एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द एरिया। अब अगर मैं इफेक्ट्स की बात करूं तो उनको मैंने 5 डोमेन्स में डिवाइड किया है। अब हम इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो फर्स्ट इज़ द कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। तो मसाज करने से हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे असर पड़ता है, क्या कि ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, हिस्टामिन रिलीज कराता है एंड देयर इज इंक्रीज टेम्परेचर। अब अगर मैंने लाइट मसाज किया तो जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जैसा हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से टेम्परेरी कैपिलरी वैसोडाइलिटेशन होगा विच विल लीड टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। अगर मैंने डीप मसाज किया, इट प्रोड्यूस लॉन्गर लास्टिंग वैसोडाइलिटेशन ऑफ कैपिलरीज एंड आर्टेरियोस, दस इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द एरिया। सो आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ मसाज फॉलोइंग थिंग्स कैन बी ऑब्जर्व। अगर मैंने किसी पेशेंट को 30 मिनट आधे घंटे तक मसाज थेरेपी दी है तो क्या क्या चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी, डिक्रीज हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर। सो मसाजिंग एक्यूपंचर पॉइंट कॉजेस डिक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी, डिक्रीज हार्ट रेट एंड रिड्यूस क्यूटेनियस ब्लड फ्लो। नेक्स्ट इज़ दी न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट्स। तो मसाज से न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, तो अगर मैं पेट्रीसाज की बात करूँ तो इट डिक्रीजेज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी, इट हेल्प्स टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल। सो दिस इफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ द कंबाइंड डिक्रीज इन न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग ऑफ मसल एंड स्कार टिश्यू। तो जो मसाज है बच्चों, ये लेस इफेक्टिव रहती है इन डिक्रीजिंग मसल रिकवरी टाइम आफ्टर एक्सरसाइज, बट ये इफेक्टिव किस में रहती है, इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डोम्स, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द इमाइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड बाय इंक्रीजिंग सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स। अब जो तीसरा फैक्टर है, तीसरा जो पार्ट है, दैट इज़ द एडिमा रिडक्शन। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लिम्फेटिक मसाज भी होती है, अभी जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लो ये असिस्ट करता है वेनस रिटर्न को, जिसकी वजह से जो एडिमा है वो डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, मैनुअल और मैकेनिकल मसाज फोर्सेस फ्लूइड विद इन द वेसल टू मूव टुवर्ड्स द हार्ट, यानी कि आपका वेनस रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एडिमा रिडक्शन मसाज शुड नॉट बी यूज डायरेक्टली ऑन एक्यूटली इंजर्ड टिश्यू। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अभी अभी चोट लगे हुए पे हमें मसाज नहीं देना ये वाला। सो द की टू रिड्यूसिंग एडिमा इज फर्स्ट टू मोबिलाइज द प्रॉक्सिमल एरिया ऑफ एडिमा बिफोर अटेम्प्टिंग टू मूव टू द डिस्टल एरियाज, दिस प्रोसीजर इज नोन एज अनलॉकिंग द बॉटल। सो टू मेंटेन द लेवल ऑफ एडिमा रिडक्शन एंड प्रिवेंट रिबाउंड स्वेलिंग, अप्लाई अ कंप्रेशन रैप फॉलोइंग ट्रीटमेंट एंड कीप द लिम्ब एलिवेटेड वेयर एवर पॉसिबल। तो अब यहाँ पे आपको बच्चों टेक्निक बताई हुई है कि आप एडिमा रिडक्शन के लिए इस मसाज को कैसे यूज़ करोगे। तो आपने इंक्लाइन बोर्ड पे या एक पिलो की मदद से आपने जो बॉडी पार्ट है उसको एलिवेट कर देना है, एंटायर सरफेस को आपने ट्रीट करना है विद अ लुब्रिकेटिंग मसाज लोशन ताकि फ्रिक्शन कम हो। देन आपने पोजीशन करना है अपने आप को डिस्टल टू द लिम्ब विच इज़ टू बी ट्रीटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंकल आपको मसाज करना है तो आप उसके सोल की तरफ खड़े होगे, फुट की तरफ। Then you have to begin by making long slow strokes towards the heart, क्योंकि हमें venous return increase करना है ना। So starting proximal to the injured area. So every fourth or fifth stroke move the starting point of the massage slightly distal, दूर दूर आते जाओगे आप। Continue stroking longitudinally with the starting position point gradually being moved distally, वही same चीज़ है। So when the distal portion of the edematous area is reached, बिगेन वर्किंग बैक टू द ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे कि इन्होंने एंकल का एग्जाम्पल लेके बताया, तो यू कैन सी द पोजिशनिंग एंड हाउ शी इज अप्लाइंग द स्ट्रोक्स। देन फोर्थ इज द पेन कंट्रोल। तो जो मसाज है वो पेन रिडक्शन में भी हेल्पफुल है, क्यों, बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ क्यूटेनियस रिसेप्टर्स एक्टिवेटिंग द स्पाइनल गेट एंड द रिलीज ऑफ एंडोजिनस ओपिएट्स इंटरप्टिंग द पेन स्पाज्म पेन साइकिल विच इज अ विशियस साइकिल। तो ये जो बेनिफिट है, इट कैन लास्ट अप टू 24 आवर्स। Also, mechanical pain is reduced through interrupting muscle spasm and reducing edema. जो chemical pain है वो किससे कम हो रहा है, by increasing the blood flow and by encouraging the removal of cellular waste.
Gentle massage activates sensory nerve and therefore inhibit pain through the gating mechanism. Pain gate theory यहाँ पे बताया है इन्होंने. Also activate करता है ANS को, that is the autonomic nervous system and Pacinian receptors, which assist in hindering nociceptive impulses and decrease H reflex amplitude of the spinal cord injured patient. Now the last is the psychological benefit. So massage help to reduce anxiety, depression and mental stress and also it causes pain relief. Duration, अब जो मसाज है वो रेंज करती है फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू एन आवर. सो ड्यूरेशन किस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से तरीके का मसाज दे रहे हो और किस क्लिनिकल सेटिंग में आप पेशेंट को दे रहे हो. अगर आप एडिमा रिडक्शन के लिए दे रहे हो तो आप दिन में एक बार दोगे 5 से 10 मिनट के लिए. फ्रिक्शन मसाज जो है वो आप 5 मिनट या फिर जैसा पेशेंट की नींद है उस हिसाब से देंगे. देन इज द इंडिकेशन टू रिलीव फाइबर्स एंड अदर मायोफेशियल एडहेशन, टू इंक्रीज वेनस रिटर्न, एडिमा रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ लिम्फेटिक और वेनस फ्लो, टू ब्रेक द पेन स्पास पेन साइकिल, टू एवोक सिस्टमिक रिलैक्सेशन ट्रिगर पॉइंट्स एंड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन. कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ आपको नहीं देनी मसाज, जहाँ पे एक्टिव इन्फ्लेमेशन है, फ्रैक्चर हील नहीं हुआ है, स्किन कंडीशन है, कोई एक्टिव स्किन कंडीशन चल रही है, ओपन वूम्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, वहाँ पे आपको नहीं देना. ऑल्सो जैसे हिमाटोमा हो गया, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस हो गया, यू हैव वेरिकोज वेन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, सेलुलाइटिस, एब्सेस है, कोई पस है, एडिमा, एक्यूट एडिमा, विभिन्न आपको नहीं देना. प्रिकॉशंस आपको क्या ध्यान रखने हैं, एरिया ऑफ सेंसरी डेफिसिट वहाँ पे आपको ध्यान से देना, क्योंकि पेशेंट को इतना आपका प्रेशर जो भी आप लगा रहे हो वो अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. कोई एरिया है एक्यूट स्प्रेन का या स्ट्रेन का. मसाज में ऑल्सो इंक्रीज द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, उसका भी ध्यान रखना है. यूज डिक्रीज प्रेशर व्हेन अप्लाइंग मसाज ओवर एरियाज हैविंग डिक्रीज सेंसेशन. डू नॉट मसाज फॉर स्वेलिंग कॉज्ड बाय द कार्डियोवैस्कुलर इनसफिशिएंसी, किडनी और लिवर डिजीज और प्लूरल इफ्यूजन. तो अगर इन कंडीशंस की वजह से पेशेंट को स्वेलिंग हो रही है तो आपको वहाँ पर मसाज नहीं देना. देन द नेक्स्ट इज द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ मसाज. तो इसमें क्या होगा बच्चों, प्रिपरेशन, जनरल कंसिडरेशन, ट्रेडिशनल मसाज एंड देन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट. तो मसाज देने से पहले आपको पेशेंट को है बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबली पोजीशन करना है और आपको उसे मॉडेस्टी के लिए अच्छे से ड्रेप करना है. जिस पार्ट की आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट देना है, सिर्फ वही पार्ट एक्सपोज रहना चाहिए. सो इट इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ मसाज मीडिया, टेबल एंड चेयर. तो मसाज मीडिया क्या हुआ बच्चों,